The question is, a man travels 600 km partly by train and partly by car. If he covers 400 km by train and the rest by car, it takes him 6 hours and 30 minutes. But if he travels 200 km by train and the rest by car, he takes half an hour longer. Find the speed of the train and that of the car. अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है इसमें 600 किलोमीटर है जिसे वो टू अलग अलग व्हीकल से यानी कि ट्रेन से और कार से ट्रेवल करते हैं. फर्स्ट केस में वो 400 किलोमीटर जा रहा है बाय ट्रेन एंड रेस्ट मींस बाकी के कितने बच गए 200 किलोमीटर वो जा रहा है बाय कार तो उससे टोटल टाइम लग रहा है 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स. लेकिन अगर वो 200 किलोमीटर जाता है ट्रेन से और बाकी के 400 किलोमीटर जाएगा कार से तो उसे पहले से ही हाफ एन आवर ज्यादा लग रहा है. मतलब पहले 6 एंड हाफ आवर लग रहे थे अभी उसे उसे आधा घंटा और ज्यादा मीन्स 7 आवर्स लग रहे हैं. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार. अब देखो हमें दोनों की स्पीड फाइंड करनी है तो इनकी हम स्पीड सपोज कर लेते हैं. लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार वाई किलोमीटर पर आवर. अब फर्स्ट केस में क्या है अब देखो हमें पता है कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है. हमें गिवन है दोनों ट्रेवल्स का टाइम का सम यानी कि दोनों दोनों से जब ट्रैवल कर रहा है वो ट्रेन से और कार से तो उसे टोटल लग रहा है 6 hours and 30 minutes यानी कि टाइम गिवन है. तो टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहाँ हमें इसी लॉजिक से क्वेश्चन जो इक्वेशन है बनानी है कि अगर हमारे पास दोनों तरफ टाइम है तो इधर भी आपको राइट साइड पे टाइम ही रखना है. मतलब यहाँ हमें अगर इक्वेशन बनानी तो दोनों तरफ की जो यूनिट है वो हमारी सेम होनी चाहिए. तो अभी जैसे फर्स्ट केस है 400 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है ट्रेन से तो 400 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड. स्पीड कितनी हमारी एक्स किलोमीटर ट्रेन की तो ये हमारा टाइम आ गया जो उसने ट्रेन के थ्रू ट्रैवल किया है. ठीक है यानी कि ट्रेन से ट्रैवल करने में उसे 400/x जो है टाइम लगा है. अब बाकी का डिस्टेंस कितना बच गया टोटल था हमारा 600 किलोमीटर 400 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया बाकी बच गया हमारे पास 200. उसे उसने ट्रैवल किया है बाय कार और कार की स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर तो यहाँ 200 y बच जाएगा. तो अब यहाँ ये भी क्या हो गया ये भी टाइम हो गया तो मीन्स जो राइट साइड है उसमें भी हमारा टाइम रहना चाहिए. अब दोनों को मिलाकर के टाइम कितना लग रहा था 6 hours and 30 minutes. तो 6 hours 30 minutes को हम क्या लिखेंगे 1/2 hour. ठीक है तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 13/2. सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 800/x 400/y इज इक्वल्स टू 13. ठीक है तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है इसकी वो क्या है कि अब वो ट्रैवल कर रहा है 200 किलोमीटर बाय ट्रेन. फर्स्ट केस में अब 200 किलोमीटर बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहा है तो मतलब 200/x रिमेनिंग यानी कि जो 400 है वो कर रहा है बाय कार तो 400/y. अब इसे लग रहा है हाफ एन आवर ज़्यादा यानी कि पहले लग रहे थे इसे 6 and half hour तो अब उसे लग रहे हैं हाफ एन आवर ज़्यादा तो मीन्स 7 hours. ठीक है तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. तो अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है तो पहले हमें इसे रिड्यूस कर लेंगे इन लीनियर इक्वेशंस. तो लेट कर लेते हैं 1/x को u एंड 1/y को v. तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा 800 u 400 v इज इक्वल टू 13. ये थर्ड इक्वेशन बन गई. और सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगा हमारे पास 200u 400v इज इक्वल्स टू 7. अब देखो इन दोनों को इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है तो कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं एलिमिनेशन लगा लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी v का जो कॉफिशेंट है वो सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन इक्वेशन को. ये कैंसिल आउट हो जाएगा 600u इज इक्वल्स टू 13 - 7 दैट इज 6. तो u हमारे पास कितना आ जाएगा 6/600 दैट इज 1/100. ठीक है
तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं अब वी की. तो यू की ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, फ्रॉम थ्री थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 800 इंटू 1/100 प्लस 400 वी इज इक्वल टू 13. यहाँ से आएगा आपके पास 8, तो 400 वी इज इक्वल टू 13 माइनस 8 दैट इज 5. वी इज इक्वल टू 5/400 मीन्स 1/80. तो यू और वी दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, बट हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू. तो जहाँ हमने एक्स और वाई सपोज किए थे वहीं से हम देखेंगे कि क्या वैल्यूज बनेंगे. नाउ यू इज इक्वल टू 1/x और यू की वैल्यू आई 1/100, तो मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी 100. और वी था हमारे पास 1/y और वी की वैल्यू आई है 1/80, तो मीन्स वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 80. तो स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड होगी हमारे पास एक्स किलोमीटर पर आवर मीन्स 100 किलोमीटर पर आवर. और स्पीड ऑफ कार 80 किलोमीटर पर आवर. दैट इज आवर आंसर. थैंक यू.